हेलो मेरे दोस्त, हमने कल वीडियो में बताया था कि हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सीरीज का सेकंड वीडियो है जो आज का टॉपिक होगा हैमर के ऊपर। तो आज हम हैमर के ऊपर बात करने वाले हैं कि हैमर को हम अच्छी तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसका क्या रूल है, सही तरीका क्या है, उस सब कुछ जानने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा हैमर के ऊपर होगा। तो हैमर को परफेक्ट जगह कैसे काम करता है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हैमर बनता कैसे है। ठीक है, सभी को पता है कि हैमर है ये, और सबको डरे ग्रीन मान लेते हैं, ये हैमर है, मान लेते हैं ये हैमर है। तो हैमर की बनावट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम चलेंगे। तो हैमर की बनावट में हम देखते हैं कि मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहाँ पे हुआ है, थोड़ी सी ऊपर गया मार्केट और फिर मार्केट गया नीचे, नीचे गया यहाँ तक, इसका वीक यहाँ तक गया और फिर मार्केट क्या गया यहाँ तक गया, और यहाँ जाने के बाद उसने रुक गया, क्लोज हो गया यहाँ पे मार्केट। तो इसको हम मानते हैं हैमर, और हम सभी इस पर ट्रेड करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। लेकिन लेकिन हम समझते क्या इस पर ट्रेड करना सही है या नहीं है सही, उस पर हम बात करते हैं। सपोज दैट कि ये हैमर है, तो इसको हम समझते कि इसमें स्ट्रांग कौन है, स्ट्रांग समझते कि इस हैमर में है कौन स्ट्रांग। ठीक है, मान लेते मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ और मार्केट गया नीचे, मार्केट गया नीचे, हैमर में कौन सा स्ट्रांग होता है, बायर स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेलर स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे ले गया। अगर सेलर स्ट्रांग नहीं है तो फिर मार्केट इतना नीचे गया क्यों, हमारा सवाल ये है कि मार्केट इतना नीचे गया क्यों। अगर नीचे गया है इस इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, फिर यहाँ से मार्केट क्या किया, मार्केट के यहाँ तक ले गया, फिर बायर लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया, फिर बाद में बायर लोगों ने एक्टिव हुआ, लेकिन यहाँ पे सेलर स्ट्रांग था। और ठीक है, यहाँ देखो मैं, यहाँ पे सेलर स्ट्रांग था, अगर सेलर स्ट्रांग नहीं होता तो इतना नीचे नहीं जाता। और दूसरी चीज ये कि हम हैमर पर बाई करते हैं, तो देख लेते हैं और बाई करने का कंडीशन क्या है। मान लेते कि हैमर के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज करेगा या इसके ऊपर, जैसे ही मार्केट ऊपर गया हमने बाई किया। बाकी बाई करने से पहले हमारा रूल ये होता है कि हम स्टॉप लॉस कहाँ डिसाइड करेंगे, कहाँ पे रखेंगे। तो इसमें स्टॉप लॉस देखते हैं कि कहाँ पे होगा, तो स्टॉप लॉस रख आप यहीं पे रखोगे, क्योंकि जाहिर सी बात सबको पता है, या आपको भी पता है कि हैमर का जो शैडो है उसको स्टॉप लॉस मानेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर आप बाई करते हो तो आपका यहाँ से यहाँ अगर शैडो है तो क्या आप इतनी बड़ी एसएल लेने के लिए तैयार हो, इतनी बड़ी एसएल लेने के लिए तैयार हो? मैं तो नहीं ले रहा भाई, क्योंकि इतनी बड़ी एसएल मैं नहीं ले सकता, इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकता। इट मीन्स ये हैमर हमारे काम का नहीं है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि सेलर स्ट्रांग था, फिर कुछ लोग बाहर आया, फिर मार्केट ऊपर ले गया। जिसमें सेलर स्ट्रांग है ऑलरेडी उसको हमको क्यों बाई करना, बाई क्यों करना जहां पे सेलर ही स्ट्रांग है। तो इस हैमर को हम अप्लाई नहीं करने वाले, हम हैमर कौन सा अप्लाई करने वाले उसको समझते हैं। हमारा हैमर का ये रूल रहेगा, एक सेकेंड, ठीक है, हमारा हैमर कैसे अप्लाई है? हमारा हैमर ऐसा रहेगा, हमारा हैमर ऐसा रहेगा, मतलब हैमर का मतलब ये हो गया मीडियम साइज का हैमर रहेगा, उसको अप्लाई करेंगे। इसमें होता ये है ना कि ज्यादा सेलर नीचे नहीं ले जा पाया, इट मीन्स ये हुआ कि सेलर है बट उतना ज्यादा नीचे नहीं ले जा पाया, क्योंकि यहाँ पे बायर भी है, स्ट्रांग है, तभी ज्यादा नीचे तक नहीं ले जाने दिया सेलर को। नहीं तो अगर बहुत नीचे आ गया फिर उसको अप्लाई नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, अभी मैंने देखा कि वहां पे मेरा एसएल भी फिट नहीं बैठ रहा है, और जहां पे हमारा एसएल फिट नहीं बैठ रहा है वहां पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमको ध्यान ये देना है कि मीडियम साइज का जो है हमारा हेमर होना चाहिए, वहां पे हम बाई करेंगे। ठीक है, और हम कहाँ कहाँ पे बाई करेंगे, हमारा रूल नंबर वन क्या कहता है कि मेजर ट्रेंड, ट्रेंड जो है मेजर ट्रेंड अप होना चाहिए। मेजर ट्रेंड अप का मतलब ये हो गया कि आप जो कैंडल देख रहे हो वो डेली चार्ट पे क्या बता रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, जो मेजर जो मेन ट्रेंड है वो क्या है। अगर मेजर ट्रेंड अप है
मेजर ट्रेन अप है। मेरा मेजर ट्रेन अप होने का मतलब ये है कि कम से कम 2-3 दिन तो कम से कम अप है, उसको हम मानेंगे कि मेजर ट्रेन अप है। अगर 2 से 3 दिन मेजर ट्रेन अप है और ओपन मार्केट में, यानी कि जो आप इंट्राडे कर रहे हैं उस मार्केट में अगर हैमर बनता है, वो भी मीडियम साइज का, बड़ा बन गया तो फिर हमारा स्टॉप लॉस वहां पे रूल के खिलाफ चला जाएगा, इसलिए हम उसको अप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो हमारा मीडियम साइज का अगर हैमर बनता है तो फिर अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने से पहले हमारा दूसरा नियम क्या कह रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ये स्मॉल स्मॉल होना चाहिए, मतलब मीडियम साइज का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्लियर हो गया, तीसरा समझते हैं। पहला तो ये हो गया कि मेजर टेन अप है, हमारा हैमर ही बन गया स्मॉल, मतलब मीडियम साइज का बन गया। अब तीसरा हमारा रूल क्या कहता है हैमर को अप्लाई करने के लिए, कि कम से कम मार्केट जो है 7-8 कैंडल का मूव होना चाहिए, नीचे के डाउन की साइड में 7-8 कैंडल का मूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूव का मतलब ये कि गिरना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहीं पे 7-8 कैंडल बन गया फिर यहाँ पे हैमर बन गया, उसको अप्लाई नहीं करने वाले हैं। कम से कम क्लियर मूव दिखना चाहिए 7 से 8 कैंडल का, फिर मीडियम साइज का हैमर यहाँ पे बनता है तो फिर उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, ये मूव को भी हमें ध्यान देना है कि कम से कम 200 पॉइंट से कम ना हो। अगर 200 से पॉइंट कम हो तो फिर भी हम अप्लाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा रूल है कि हम 200 पॉइंट कम से कम, 200 पॉइंट कम से कम नीचे गिरना चाहिए फिर हैमर बनता है, तो वहां पे अप्लाई करेंगे। तो हमारा ये 7 से 8 कैंडल का जो कंडीशन वो अप्लाई हो गया। अब चौथा कंडीशन ये है कि हमारा हैमर कोई ऐसी सपोर्ट पे तो नहीं बन रहा है, इसको भी ध्यान देना है। अगर हैमर सपोर्ट पे बन रहा है, अगर यहाँ भी हमें मीडियम साइज का ही हैमर चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, फिर वहां पे हमारा जो एसएल का पॉइंट है वो नहीं फिट बैठेगा, वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमको ध्यान देना है कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पे हैमर मीडियम साइज का बनना चाहिए, फिर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। हाँ, एक जगह और जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसे पॉइंट जहां पे राउंड फिगर हो, सपोज डेट की कोई राउंड फिगर हो, जैसे 500 राउंड फिगर हो, अगर कोई मार्केट यहाँ से गिरते गिरते आ रहा है और किसी राउंड फिगर, 500 राउंड फिगर हो या 1000 राउंड फिगर, ऐसी जगह पे अगर स्मॉल या मीडियम साइज का हैमर बनता है और फिर इसको बिना ब्रेक किए हुए इसको ऊपर जाता है, फिर वहां पे अप्लाई करेंगे। मगर रूल के अंतर्गत ये भी रहेगा कि इसके बाद कोई भी कैंडल इस वीक को जो है इसको शेडो को टच नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट यहां तक आ गया, इट मीन्स तो हमारा हैमर ही फेल हो गया, तो वहां पे बाई करने का चांस ही नहीं है। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि इसके जो विग है, जो हैमर का विग है, वो इसके बाद वाला कोई भी कैंडल का शैडो या बॉडी कोई भी यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर यहां तक पहुंच गया, इट मींस कि हमारा हैमर फेल हो गया, यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर गया ही नहीं, पहले ही इसके नीचे टच हो गया इसके शैडो वी, तो फिर यहाँ इसके ऊपर जाने का चांस ही नहीं, हमारा हैमर फेल अभी हो गया, तो फिर हम अप्लाई नहीं करेंगे। हमें बस इतना ही चीजें ध्यान रखना है, मेजर टेन अप होना चाहिए, मेजर ट्रेन अप होना चाहिए और मीडियम साइज का होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा हैमर है तो फिर भी हम वहां पे अप्लाई नहीं करने वाले हैं। उसके पास 7-8 कैंडल का क्लियर मूव होना चाहिए, अगर 7-8 कैंडल का क्लियर मूव नहीं है फिर वहां पे भी हम हैमर को अप्लाई नहीं करने वाले हैं। और फिर चौथा ये है कि सपोर्ट होना चाहिए किसी, या 500 हो या 1000 राउंड फिगर के पास कोई हैमर बनता है वहां पे अप्लाई करेंगे। बस ये 4 कंडीशन है हैमर को अप्लाई करने का। अगर इसके अलावा कहीं भी मार्केट बन गया, मान ले तो ऊपर जा रहे मार्केट यहाँ बन गया, हैमर बन गया, वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, या मार्केट रुका हुआ है इसी में हैमर बन गया, फिर भी वहां पे हम अप्लाई नहीं करने वाले हैं। हमारा रूल है, प्रॉपर रूल है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, उस रूल को फॉलो करने के बाद 90% का एक्यूरेसी आता है। अगर इस चीज को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हमें शॉर्ट स्क्रीन करके आप भेज सकते हैं। आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि अगर आपके ओपन मार्केट में ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो उसके स्क्रीनशॉट डालेंगे और तभी आप अप्लाई करेंगे, अन्यथा अप्लाई नहीं करेंगे, कि हैमर का यही रूल है और बड़े बड़े ट्रेडर यही रूल अप्लाई करते हैं। हम बहुत सारे यूट्यूबर से सुनते आ रहे हैं कि हाँ, मेजर ट्रेंड थोड़ा सा मार्केट पुल बैक पे आया, यहाँ पे हैमर बन गया, तुम यहाँ पे बाई कर लो या स्टॉप लॉस लगा लो। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना, हमें प्रॉपर रूल प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। तो हमारे 4 कंडीशन है अप्लाई करने के, और आशा करते कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके हेल्प कर सकते हो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।